नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को देखेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट को मुरली मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि उस जमाने में लॉर्ड मुरली भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो उस जमाने में भारत के वाइसरॉय थे, इसलिए इस एक्ट का नाम है मुरली मिंटो रिफॉर्म। इस एक्ट ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ, उसका साइज बढ़ा दिया था दोनों जगह पे, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 to 60 और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में हर प्रोविंस में अलग अलग नंबर थे। इट रिटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इस एक्ट ने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है सेंट्रल की एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उनके डेलिब्रेटिव फंक्शंस को बढ़ा दिए। फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स वर अलाउ टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस ऑल्सो। दे वर ऑल्सो अलाउ टू मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। दिस एक्ट एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। इसका मतलब है कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अंडर दिस द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स। जबकि ओपन या जॉइंट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि कोई भी कैंडिडेट होता है तो उसके लिए सारे कम्युनिटी के वहां पे रहते हुए लोग वोट कर सकते हैं। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम के लिए क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट मुस्लिम खड़ा होगा इलेक्शन में, उस कैंडिडेट के लिए ओनली मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। तो इसके लिए धीरे धीरे कम्युनिटी की अलग अलग भावना यहाँ और ज़्यादा बढ़ेगी और कम्युनलिज्म बढ़ेगा, और इसलिए हम कहते हैं कि दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म एंड हेंस लॉर्ड मिंटो वहाँ पे वाइसरॉय थे, तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को यहाँ से हम फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार्स। तो यहाँ पर हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को कंप्लीट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।